बीजेपी नेता सीमा पात्रा के यहाँ काम करने वाली मेड सुनीता के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में पीड़िता का 164 का बयान दर्ज किया गया। इसके लिए पीड़िता को सिविल कोर्ट लाया गया। पीड़िता का कई दिनों से रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया। मेड के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आने पर बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज, मेड सुनीता का बयान दर्ज हो चुका है और इस पर अब आगे की कार्रवाई भी होगी। बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से किया निष्कासित। जी हां, रांची मेड सुनीता की ये मामला, मारपीट का मामला सामने आया था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुका है ये सारा बयान। मेड सुनीता का बयान दर्ज किया गया है। बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से किया निष्कासित। ये बड़ी खबर रांची से आ रही है। तो फिलहाल हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं। जी दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ा फैसला आज आया है, तो क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए भाजपा नेत्री जो सेवानिवृत्त आईएएस की पत्नी है, उनके घर पर काम करने वाली जो मेड है, उनके साथ ज्यादती की जा रही थी, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, मारपीट भी किया जा रहा था और वो काफी दिनों से वो जो पीड़िता है वो रिम्स में इलाजरत थी। और मामला जैसे ही प्रकाश में आया तो भाजपा ने भी सीमा पात्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और आज पीड़िता का जो पीड़िता है जो गुमला की रहने वाली है, वो काफी लंबे समय से सीमा पात्रा के घर पर वो काम करती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार की जो हदें है वो कहीं ना कहीं पार कर दी गई थी सीमा पात्रा के द्वारा। तो जो जानकारी पीड़िता ने जिसको दी है, मामला भी दर्ज कर लिया गया है और आज उन्हें रिम्स से रांची स्टेट कोर्ट लाया, जहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका 164 का बयान दर्ज कराया गया है। अब जो बयान दर्ज हुआ है उसमें सबसे अहम बात होगी कि आखिर जासूस आरोप सीमा पात्रा के खिलाफ लगाई है पीड़िता ने, कि उनके साथ जिस तरह से मारपीट और मारपीट किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था, यहाँ तक कि जो फर्श पर जो पेशाब है उसे जीप से कहीं कहीं से साफ कराया गया था, इस तरह का जो आरोप, गंभीर आरोप लगाई है पीड़िता ने, तो वैसी परिस्थिति में मामला भी दर्ज कर दिया गया है। अरोरा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है मामला और जांच भी आगे बढ़ी है। इस तरह से अगर बात करें तो इन दिनों ये देखा होगा कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार का मामला बढ़ा है। जिस तरह से गोड्डा में एक बच्ची के साथ उसे जलाकर मार दी गई और परिवार को उनका कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत से भी जूझ रही थी और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, जिंदगी से कहीं ना कहीं वो जंग हार गई। उसके बाद एक मामला भी सामने आया था जिसमें एसिड अटैक का मामला सामने आया था, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है और आज सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और तो ये जानकारी भी उन्होंने दी है कि वहां से जितने भी उन्हें जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये तमाम आदेश कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन को दिया है। साथ ही साथ ये वाला जो मामला है जो कि अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया है, तो आज इनका 164 का भी बयान दर्ज हो गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा किया। तो ये मेड सुनीता का मामला है, मारपीट उसके साथ की गई थी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा को निष्कासित कर दिया गया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।